पहले आते थे, अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब देर हो जाती थी कि नहीं आती थी इनके पास, तो एकदम चिल्लाने लगते थे, कहते कि कहाँ हो, जल्दी से आओ। अब तो मोबाइल ही इनकी पत्नी हो गई है, क्या ही कर सकती हूँ मैं। दोनों चलेगा, चटनी सांभर दोनों चलेगा। दोनों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे साथ हैं भैया, काफ़ी गुस्सा करने लग गए हैं आजकल, इनको अब साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आलोक भैया भी साथ में समर्थन कर रहे हैं इनका। इंसान इंसान को कभी गुस्सा नहीं आता, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं जिसकी वजह से माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, और गुस्से को कम किया जा सकता है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सब खराब हो जाता है। क्या कह रही है मम्मी? मैं ये बोल रही हूँ कि गुस्सा सबको आता है, मतलब भाई उसी उस परिस्थिति में लोग को गुस्सा आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सीखो। हाँ बिल्कुल, यानी कि वो खूब फायर हो जाओ, गुस्सा करो, तुम्हारा गुस्सा क्यों हुआ? हुआ मैं जा रहा था गाड़ी से, कंट्रोलम परम सुखम, ऐसा कुछ नहीं, मैं मंदिर जा रहा था, कंट्रोलम परम, एक पुलिस वाला था, बुलेट बीचों बीच लगा के बैठा हुआ था, ठीक है, और उसके पैर में बस टच किया और पीछा करते हुए आगे तक आ गया, सोचा कि मैं पुलिस वाला हूँ इनको दबा दूंगा, लेकिन उसको पता नहीं कि आई एम ऑल्सो पॉलिटिशियन, ठीक है, क्या मतलब, नहीं तो मैं भी नहीं डरता ना, पुलिस पुलिस से अगर कोई नहीं डरता है तो वकील और नेता, तो डरना क्यों, जो सही है वो डरेगा क्यों? हाँ तो मैं डरा नहीं, तुम्हारी भाभी लगी कहने की पढ़ाई कर लेते हो, भगवान का नाम लो, खुद पर खुद गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आज संडे, आज बनाऊंगा मैं दाढ़ी, क्योंकि दाढ़ी मूछ मेरी बढ़ गई है, काफी टाइम से बनी नहीं है, बिजी इंसान, दाढ़ी बनाएंगे, इडली खा रहे बाबा। हाँ तो इडली है मम्मी, अच्छी होती इडली, आज नाश्ते में है इडली, अब दाढ़ी बना के नहा के फिर खाना खाया जाएगा। तुम क्यों खा रही हो? तुमको थोड़ी ना कुछ हुआ, तुमको तुम्हारी तुमको चोट लगी है? अरे यार गरम कर दी होती सांभर, वाह ठीक तो है, बहुत तीखा है, गरम कर दे, तीखा क्यों लग रहा है? तो अब नहा लिया, मैंने सेविंग भी कर ली, मूंछ मैंने एक्सीडेंट के बाद से रखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो फेस था पहले वाला ना, वो हॉस्पिटल में अपने आप को देख देख के इतना ख़राब लगता था, मतलब बुरा था, पर अभी ठीक है, मूंछ मैंने रखी है, पर थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बट अच्छा है, नहा धो के कितना अच्छा लगता है। और ये पिंपल्स के लिए मैंने अभी फेस पैक लगाया और मुल्तानी मिट्टी का, अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। अभी खाना खाना है, खाना, कुछ गेस्ट लोग आ रहे हैं, तो अब घर पे यही होता है ना, घर आ जाओ तो लोग मिलने आते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि रिलेटिव्स होते हैं, अपने लोग होते हैं, देखने आते हैं, कि पैर भी टूट जाता है, हाथ भी टूट जाता है ना, तो लोग मिलने आते हैं। अब मैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और लोग आएंगे, मैं चुपचाप एकदम आराम से बैठा रहूँगा, उनको ज़रा सा भी नहीं लगने दूंगा कि मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गया हूँ। तब ये आप आँखों के नीचे देखोगे ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये फ़ोटो देखिए जो मैं अभी लगा रहा हूँ, इसमें मेरी आँखों, ये ब्लैक वाले रेटिना के बगल में पूरा रेड सर्कल था, और ये पूरा रेड, ये पूरा स्वेल हो गया था, जिस अभी फ़ोटो में आपको दिखा होगा। तो अब तो काफ़ी बेहतर हो गया, अब तो मैं थोड़ा ठीक देखने भी लगा हूँ, मेरा आइस पावर भी थोड़ा सा बढ़ गया था 0.25, तो मैंने ग्लास भी चेंज कराया, अब तो काफ़ी बेहतर है, अब मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया आँख, धीरे धीरे होप सो कि ये डार्क सर्कल ख़त्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं एक्सीडेंट जब तेज लगा हो, यहाँ पे तो 6 टाके चले थे और उसी की वजह से पूरा चेहरा स्वेल हो गया था। खाने में रोटी, चावल, सब्जी, भिंडी, दाल। आज मुझसे जितने भी लोग मिलने आए ना, सब मुझे देख के एकदम हैरान थे कि अभी तुम 2 महीने पहले उठ नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, और अब तुम्हें तो कोई देख के कह नहीं सकता कि तुम्हारा एक्सीडेंट है। तो मैं यही कहूँगा ना, ये सारी चीज़ें ना हमारे विल पावर पर डिपेंड करती हैं, हम जो ह्यूमन है ना, मुझे तो अपना पता चल गया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस उसको ठानने की ज़रूरत है, एक बार वो ठान लिया, एग्जैक्टली, हौसला बुलंद रखना चाहिए, अगर मन में ठान लो तुमको करना है। मेरा हौसला कैसा लगा आपको बताओ, मैंने ज़्यादा निराश नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं, ज़्यादा तुम चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, सब सहते रहे, करते रहे अपना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब मुझे थोड़ा इंजेक्शन वाले ओवरडोज से मैं बाहर आया 8-9 दिन बाद, तो मैं अपने आप को इतना डिप्रेस पाया ना अंदर से, इतना एंजाइटी हो गया था कि क्या हो गया मेरे साथ। फिर मुझे मेरे भैया ने मोटिवेट किया कि घबराओ मत, इसी सब चीज़ों को तुम्हें सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में 4 लोग लगे हुए हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। कई लोग आते थे, अपनी कहानियाँ सुनाते थे, मेरा ये हो गया है, मेरे पैर डला है, 6 महीना लग गया, 8 महीना, तो मैं यही सोचता था मेरे साथ क्या होगा, मेरे तो पैर में ही चोट लग गई, पैर में ही रॉड डल गया, ठीक होगा नहीं ठीक होगा,
बहुत सारे थे, लेकिन मैंने अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखा। मैंने सिर्फ एक एम बनाया था कि मुझे वॉशरूम खुद से जाना है, चाहे वो जितना जल्दी हो सके। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट चलती रही और मुझे दर्द होता रहा, लेकिन मैंने सब दर्द बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी खुद से खुद चल के वॉशरूम जाना था और फ्रेश होना था। मम्मी 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 ने मेरा साथ दिया, मम्मी मेरे साथ रहीं। सब लोग रूम से बाहर तक चले जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़िंदगी में सब लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, एक बार को आपको पिता भी छोड़ सकता है, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ एक ऐसे इंसान है जो आपको कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं सोचे, चाहे आप कितने भी नालायक हो। मैं नालायक था ना मम्मी? नहीं नहीं, मेरे अच्छे बच्चे हो, नालायक नहीं हो। मम्मी का मैं लाडला हूँ, है कि नहीं? सब मेरा लाडला है, सब मेरे चारों बच्चे। ये एक्सेप्ट नहीं करती कैमरे के आगे कि गोलू भैया दीदी लोग देखेंगे ना तो वो लोग इनसे लड़ाई करेंगे। अरे नहीं, लेकिन दिल की बात मुझे पता है, मैं लाडले हूँ कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। बाकी अभी खाना खा लेते हैं, भैया भाभी गए हैं बाहर, अब वो लोग कब आएंगे, हो सकता है आइसक्रीम वाइसक्रीम लेके आए। क्या लगता है, मुझे भी काश ले चल रहे होते बाहर, मैं दो दिन से आया हूँ, घर में ही हूँ, मुझे बाहर नहीं ले गए। पापा आपको कहाँ घुमाए हैं? अभी कन्वर्सेशन ये चल रहा था, भैया भाभी अभी आइसक्रीम खाने गए हैं, एक्सीडेंट हुआ था तो मैं, तो पापा भी बोल, पापा बोल रहे थे कि हम भी चलेंगे तुम्हें लेके, तो मम्मी बोली हमें कहीं नहीं जाना, हम घूम फिर लिए। पापा मम्मी को कभी स्कूटर पर बिठा घुमाया तुम्हें? हाँ, पहले घुमाते थे। आइसक्रीम खिलाए दर्शन? हाँ, आइसक्रीम खिलाए हैं और पेटीज खिलाए हैं और डोसा खिलाए हैं लाके बनारस में स्कूटर पे। जब स्कूटर पापा को मेरे स्कूटर नहीं, शादी में स्कूटर मिला था, स्कूटर स्कूटर प्रिया प्रिया बजाज प्रिया पर ज़्यादा घूमी हूँ। बाइक पे स्कूटर पे नहीं घुमाया ना? स्कूटर से नहीं चलते थे ज़्यादा, स्कूटर से ही तो चलते थे पहले। जब नहीं, ज़्यादा सन वो इनके पापा बताइए, भाई चलते थे ज़्यादा स्कूटर से, ये तो बाइक से चलते थे ज़्यादा। हम लोग माँ बाप के लायक पुत्र थे, अनुशासित पुत्र थे। टाइम चेंज, पीपल चेंज, मॉडर्न जमाना है पापा। मॉडर्न जमाना में डाइवोर्स हो रहा है, मॉडर्न जमाने में हाँ तो हो रहा है ना, मार रही है पति को, मॉडर्न जमाने में रोज कचहरी में केसेस बढ़ रहे हैं, यही मॉडर्न जमाना। तो आपका धंधा चल रहा है ना वकालत वाला? वो धंधा चलने से नहीं हो, लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ टूट रही हैं, लोग टूट रहे हैं, सामाजिक परिवेश बिगड़ रहा है, माँ बाप अनाथालय भेजे जा रहे हैं, आज ही मॉडर्न जमाने में। अच्छा, आपको भेज रहा है कोई? हमको क्या कोई भेजेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मैं मेरे बच्चे मम्मी 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 अभी तक तो मेरे बच्चे ठीक है भैया, आगे भगवान पहले रख के बोले। समाज में तो हर तरह का चीज़ होता ना, अच्छा बुरा सब होता ना। ये मॉडर्न जमाने में कई लड़के अपने माँ बाप के कहाँ कहाँ घुमाते हैं, तीर्थ घुमाते हैं, विदेश घुमाते हैं, तो हर तरह के लोग हैं समाज में, है कि नहीं? आपका अंग्रेजी है, कोई बीजेपी का है कि नहीं है? विचारधाराएँ अलग हैं कि नहीं है? देखा, यही मॉडर्न जमाने, बस फोन में खोए रहते हैं 24 घंटा, तब तो नहीं बोल रहे मॉडर्न जमाना। देख रहे हैं तू, चीज बड़ी है, मस्त मस्त। अब बोलिए, यही मॉडर्न जमाने मोबाइल चला रहे हैं ना? मॉडर्न जमाने पहले मोबाइल नहीं था तो बहुत बढ़िया था कि ताकि बाकी लोग सब लोग इकट्ठा होकर बातें करते थे, आखिर मॉडर्न जमाने की बातें होती थी। मोबाइल आके बहुत खराब हो गया, बहुत बहुत। मोबाइल चला रहे हैं कि नहीं मम्मी? हाँ, अब तो चला रहे, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। अब बोलिए पापा, मॉडर्न जमाने को बोल रहे हैं, बोलिए कुछ। अभी देख रहे हैं तू, चीज बड़ी है, मस्त मस्त। बोलिए बोलिए बोलिए, हाय कोई जवाब, मॉडर्न जमाने में मोबाइल देखिए, देख रहे हैं आप लोग? अब बोलने की कोई, देख लीजिए मोबाइल में लगे हैं, पत्नी बेटे सामने बैठे मोबाइल में लगे हैं, ये 24 घंटा मोबाइल चलाते हैं, हम लोग से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं पापा। बोलिए कुछ, बोलिए, मॉडर्न जमाने में मोबाइल क्यों चला रहे हैं? मोबाइल जरूरत की चीज है, जरूरत से चलाते अभी हैं। क्या जरूरत है? अभी देख रहे थे, तू देख रहा है, चीज बड़ी है, मस्त मस्त। मम्मी न्यूज क्या आ रहा था बताओ जरा। न्यूज नहीं देख रहे हैं, वो टिकटॉक होता है ना, वही देख रहे हैं, रील रील, वही। तू चीज बड़ी है, मस्त देखो देखो, अभी सा देखने लगे हैं समाचार, जब हम लोग बोले भंडा फोड़ हो जाएगा, इसलिए पहले आते थे। अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब देर हो जाती थी कि नहीं आती थी इनके पास, तो एकदम चिल्लाने लगते थे, कहते कि कहाँ हो, जल्दी से आओ। अब तो मोबाइल ही इनकी पत्नी हो गई है, क्या ही कर सकती हूँ मैं। ये इनका कहना गलत है? गलत नहीं, ये सही है, क्योंकि हम लोग बातें करते रहते थे, तो अब मैं बातें करते करते उठ के मैं खाना बनाने, जब मैं जा रही हूँ किचन, नहीं बैठो, खाना बनता रहेगा ना, बैठो। हाँ, गाँव में भी जब रहते थे तो पापा ऐसे ही होते थे, दिन भर आते थे, शाम को मम्मी को बिठाते थे, बातें करते थे, और अब इनकी मोबाइल इनकी पत्नी बन गई है, और ये मॉडर्न जमाने को ब्लेम दे रहे हैं। खाने में है सब्जी रोटी, पता नहीं टमाटर आया नहीं अभी, टमाटर टमाटर तुम्हारा वो हो गया एकदम, टमाटर ट्रेंड कर रहा है। अभी खाना खाते हैं, भैया को थोड़ा परेशान करूँगा, मेरा पासपोर्ट अप्लाई नहीं हुआ कल,
वो करेंगे क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है, तो वो अप्लाई कर देंगे। और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, आज इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, 1000 सब्सक्राइबर के पास बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ, तो आप थोड़ा इनिशिएट करिए।